अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब ये आप हलवा बनाते हैं तो आपके हलवे का जो टेक्सचर है ना एकदम परफेक्ट आता है, एकदम दानेदार आपका हलवा बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई स्टेप रह ना जाए। एक कप सूजी डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती है। यहाँ पे हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है, इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम शुगर सिरप बना लेंगे। 3 कप पानी लेंगे। 3 कप पानी में 1 कप शक्कर डालेंगे, थोड़े से सैफ्रॉन के धागे डालेंगे। आपके पास सैफ्रॉन नहीं है तो आप यह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। हमको यह चाशनी नहीं बनानी है, सिंपली इसे घुला लेना है पानी के अंदर। शक्कर भी घुल चुकी है, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको साइड में रखेंगे। नेक्स्ट पैन में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 1 टेबलस्पून कोकोनट हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। निकाल लेंगे इनको। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देसी घी में हलवा बेस्ट बनता है। भुनी हुई सूजी डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और इसमें शुगर सिरप डालेंगे जो हमने बनाया था। मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे जब तक कि सूजी फूल नहीं जाती है। इसको हम चलाते हुए पकाएंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ये एकदम परफेक्ट नहीं बन जाता है तब तक हम इसको पकाएंगे चलाते हुए। देसी घी डालेंगे। इन आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है हलवे का। इसी पॉइंट पे गैस को ऑफ करेंगे और इस हलवे को सर्व करेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और नारियल से इसको गार्निश करेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।